Hi guys, how are you? You are welcome in science class. In the last video, we have completed nutrition. Today, we will start respiration. Respiration, first definition of respiration. Respiration वो process है जिसमें कि glucose का oxidation होता है oxygen की presence में glucose यानी कि food. जो हमने food लिया है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डाइजेस्टिव फूड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और साथ में बनती है CO2, H2O एंड एनर्जी. ये पूरा प्रोसेस सेल में कंप्लीट होता है इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि फूड का डिकम्पोजिशन होता है या यूँ कह सकते हैं फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है और CO2, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एनर्जी ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये है रेस्पिरेशन. नाउ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन. इन्हेलेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सेलेशन के थ्रू हम CO2 रिलीज करते हैं. ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीथिंग. लेकिन ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. तो एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. उसका रीज़न अभी हम आगे पढ़ेंगे. अब आता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. यानी ग्लूकोज का जो हमने अभी ब्रेकडाउन पढ़ा था वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है. सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है. और ये सभी जो रेस्पिरेशन करने वाले सभी एनिमल्स में ये यहाँ तक प्रोसेस होता है. अब पाइरूवेट बनने के बाद जैसे कि बैक्टीरिया यीस्ट उसमें ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है. ये प्रोसेस क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होता है इसलिए इसे कहते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं इसको. और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया यीस्ट में कंप्लीट होता है. नेक्स्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाइरूवेट अधिकतर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाइरूवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो ये प्रोसेस क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो इस तरह से दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन एनरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है. 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह से हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन में कंपैरिजन कर सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन ये एरोबिक रेस्पिरेशन है इस ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एथेनॉल CO2 एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट डिफरेंस इसमें एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट डिफरेंस कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये पूरा रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है. तो इस तरह से हम एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी
लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो कई बार मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। तो वो क्रैम्प किसकी वजह से होता है कि मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसके कारण कि पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये एक टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए जो मसल सेल्स है उसमें क्रैम्प आता है, ऐंठन या जकड़न आती है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 3 पाथवे से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पार्शली ब्रेकडाउन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 पाथवे से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी एडीपी से अटैच हो जाती है। एडीपी ये एक मॉलिक्यूल है, एडीपी इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये एनर्जी का मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप से ऐड होता है, और ये यहाँ पर एक बॉन्ड के थ्रू ये ऐड होके ये बन जाता है। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल या एनर्जी करेंसी की तरह वर्क करता है, और ये इस एनर्जी ये एनर्जी सेल में फ्यूल की तरह वर्क करती है, जिससे कि एनर्जी एनर्जी का यूज़ किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो जब एटीपी का यूज़ किया जाता है तो ये एडीपी में वापस से कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी काम में आ रही है।